प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर नवोदय में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का दोस्तों साइंस का पहला चैप्टर दोस्तों जो है हमारा बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, अभी सभी चैप्टर हम पूरे करवाएंगे आपके जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का साइंस के। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, वीडियो में फ़ोन पर बना दो तो दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो आपसे समझाने में, ठीक है, पर आपको हम पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस वीडियो में समझाया है आपको, ठीक है, आपको लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों। और दोस्तों इस वाले चैप्टर में से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये 2018 के क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आपको ताकि अच्छे से देखे। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन आया था हमारा 2020 में, दोस्तों देख लीजिए, 2884 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था, एक गैस से गुब्बारा गुब्बारे ऊपर एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर हो जाता है क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, ठीक है, इस पर गुरुत्वाकर्षण कोई भी बल नहीं लगता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है, ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक था, तो अब वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल था वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है, पृथ्वी उसको अपनी ओर नहीं खींच रही थी। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, तो आपको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 85 का अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार करना है, ठीक है, लेसन हम अभी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पास पास रखी थर्मोकोल की दो गोंदें डैश बल के कारण आ जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के दूर चली जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों ये वाला ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय बल, ठीक है, इसके इसके कारण वो अलग अलग चली जाती हैं, क्योंकि जब ये अगर प्लस माइनस होगा तो ठीक है, ठीक है, जुड़ जाएंगी, ठीक है, प्लस हो जाएंगी, अगर माइनस माइनस होगा तो वे अलग हो जाएंगी दोस्तों, ऋण आवेश तो हो जाएंगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शरीर में उपस्थित का समाप्त होना शरीर में घर्षण बल को क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए फिर से, घर्षण बल में आया दोस्तों हमारा चैप्टर है बल एवं दाब दोस्तों, उसी के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना, एक मिनट दोस्तों, शरीर ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना शरीर के घर्षण बल को डैश होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिए गए, बढ़ाता है घटाता है प्रभावित नहीं करता घटा, तो ये दोनों में तो कुछ ही नहीं हो सकता, हमारे ऑप्शन नंबर ए बचे या दो बचे है, ठीक है। इसमें से हमको चूज करना है क्या हुआ, तो देख लीजिए, शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना, ठीक है, शरीर में से निकल जाता है तो इसका जो राइट आंसर होता है तो बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ जाता है और हम नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट के जो क्रिकेट के बल्ले का हैंडल डैश के कारण प्रायः खुरदुरा होता है, क्या होता है, खुरदुरा है, अधिक रन प्राप्त करने ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, वाल को बल्ले पर लगाने ये भी नहीं हो सकता, घर्षण बल बढ़ाने में घटाने में, जब घर्षण बल बढ़ा देंगे दोस्तों, ठीक है, इस जब घर्षण बल बढ़ा देंगे तो दोस्तों बल्ला जो 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 हमारा बैट है वो तो और रपकेगा, ठीक है, और हाथों में से स्लिप करेगा, तो हम उसको हम घटाने के लिए करेंगे, ठीक है, जब घटा देंगे तो उसको हम अच्छे से पकड़ पाएंगे और हाथ में से भी नहीं छूटेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, शरीर में उपस्थिति का कम होना शरीर पर घर्षण बल को क्या करता है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो मैंने ये बताया था इसका, ठीक है, इसका यही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमने करवाया दोस्तों, ये है दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन आए थे, देख लीजिए एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, पिछले बार भी 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, आपको अच्छे चैप्टर को पढ़ लेना है, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं हम, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है बल एवं दाब, ठीक है। बल क्या होता है दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं बल क्या होता है, ठीक है, तो देख लीजिए, बल कोई धक्का या खिंचाव है, ठीक है, बल कोई धक्का या खिंचाव है, ठीक है, जो किसी वस्तु पर परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। बल क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, और ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, जब मुझे इसे उठाकर इधर की साइड रखना है तो मुझे इस पर बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, और बल काफ़ी प्रकार के होते हैं, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, और इसका जो ऐसा ही मात्रक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, ऐसा ही मात्रक दोस्तों, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन आपको याद रखना, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और CGS पद्धति होती है दोस्तों, एक उसमें इसका क्या है दोस्तों, एक CGS पद्धति होती है, उसमें इसका डायन है, ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं अगले सॉरी दोस्तों इसमें लिखा है वीडियो में देख लीजिए कि इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक भी दिया गया है तो न्यूटन दिया गया और CGS पद्धति में इसका डायन है, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, आपको इसको नहीं पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसी को पढ़ना है, ठीक है, इसे नहीं पढ़ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ इधर बढ़ते हैं, तो बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स, बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है,
तो यहाँ होता है संपर्क बल और असंपर्क बल। और जो संपर्क बल होता है वो तो दो प्रकार का होता है, पेशीय बल, ठीक है, एक तो पेशीय बल होता है और एक घर्षण बल, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। चलिए देख लेते हैं वीडियो को। तो यहाँ देख लीजिए संपर्क बल क्या बोल रहा है, तो संपर्क में आई दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इमेज के साथ आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार का होता है, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने बताया पेशीय बल और घर्षण बल, ठीक है, ये तो क्लियर होगा हमारा जैसे मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेशीय बल, तो इन्होंने पहला जो भाग है हमारा जो संपर्क बल का, संपर्क बल के कितने भाग होते हैं, तो दो, ठीक है, संपर्क बल के दो भाग होते हैं, आपको याद रखना है। पहला होता है हमारा पेशीय बल, ठीक है, पेशीय बल होता है, ये हो गया हमारा पेशीय बल। सेकेंड होता है तो घर्षण बल, ठीक है, सेकेंड होता है घर्षण बल, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अब पेशीय बल क्या होता है, तो ठीक है, पेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। तो जब पेशियों से मतलब हमारे शरीर में तो लगने वाला बस पेशियां प्रभावित होती हैं उसे पेशीय बल कहते हैं। तो उदाहरणतः पानी की बाल्टी को उठाते समय लगा बल, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में फेफड़े और सिकुड़ते समय लगा बल, बैल, घोड़े, गधे, ऊँट आदि जैसे पशुओं में लगा बल, ये सभी किसके उदाहरण है, संपर्क बल के, पेशीय, सॉरी, पेशीय बल के उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि ऐसे मांसपेशियों द्वारा बल लगता है, ठीक है, जिसमें मांसपेशियों द्वारा बल लगता है उसमें उसे कहते हैं पेशीय बल, ठीक है, आपको याद रखना है। और यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, अब आपको सबसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, आपको आपको उदाहरण को नोट कर लीजिए। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस ये जो उदाहरण है दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए, मैं इस पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पानी की बाल्टी को उठाना भी पेशीय बल का उदाहरण है, ठीक है, सबशन करना भी एक प्रकार का पेशीय बल का उदाहरण है। तो जो बैल होते हैं, गाय होती है, उसमें लगा जो ऊँट खींचते हैं दोस्तों, जैसे बग्घी वगैरह हो गई हमारी, उसमें भी ये और इस प्रकार के बल हम पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो इधर से मैं इधर करता हूँ, एक इमेज है मेरे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज को, ठीक है, ये पेशीय बल के उदाहरण थ्री, ठीक है, सॉरी दोस्तों ये ओपन हो गया, एक मिनट, ये पेशीय बल के उदाहरण देख सकते हैं, पेशीय बल के, एक लड़का है जो बाल्टी उठा रहा है, ठीक है, उसकी मांसपेशियों पे बल रख रहा है, ठीक है, ये पेशीय बल का उदाहरण है। और ये भी दोस्तों ये जो उठा रहा है ये भी अपनी ताकत से उठा रहा है, इसमें क्या लग रहा है, पेशीय बल लग रहा है। तो और इनमें जो ये इमेज देख रहे हो आप, इसमें किस प्रकार पेशीय बल लग रहा है, जो ये बैल हैं दोस्तों, ये जो दो बैल है ना, इन ये अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके इनका जो बल लग रहा है वो पेशीय बल लग रहा है इसको खींचने के लिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं घर्षण बल की तरफ, ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। तो ये दोस्तों जो घर्षण बल होता है दोस्तों, उसका सिंपली सा मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है, तो ये साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, इसको जो ये जमीन पर बल लग रहा है उसे घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। आप इससे ही समझ जाओ कि किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वैसे तो काफ़ी घट पूछा जाता है क्वेश्चन में दोस्तों, और जो पूछा जाता है वो इसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ दोस्तों वीडियो को, ठीक है। ये पेशीय बल हो गया हमारा, ओ सॉरी दोस्तों, वो पेशीय बल हो गया था हमारा ये वाला, एक मिनट दोस्तों, ये तो हमारा पेशीय बल हो गया, ठीक है। पेशीय बल के उदाहरण आपको बता ही देंगे दोस्तों, बाल्टी को उठाना, जिम करना, बैलों द्वारा लगा खींचना, ठीक है, और एक और है फेफड़े। अगर आपको एग्जाम में आता है फेफड़े में कौन सा बल लगता है, ठीक है, फेफड़े की सबसे क्रिया में लगता है दोस्तों पेशीय बल, ठीक है, उसमें भी पेशीय बल लगता है हमारा, आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे आते हैं दोस्तों ये वाले असंपर्क बल, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिन्हें मतलब अपने आप ही लग जाता है जो फोर्स, उसे असंपर्क बल कहते हैं, ठीक है। असंपर्क बिना वस्तुओं के आपस में संपर्क बल लगने वाला बल है, ठीक है। ये तीन प्रकार का होता है, कौन सा होता है, एक तो हो गया दोस्तों चुंबकीय बल, ठीक है, जैसे कि हम दे रखा है चुंबकीय बल और स्थूल वैद्युत बल और तथा गुरुत्वाकर्षण बल। आपको अच्छे से वीडियो को दोस्तों देखना है, ठीक है, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है आपको। और यहाँ देख लीजिए, पहला जो हमें दे रखा है चुंबकीय बल दे रखा है, तो ये तो हमारा फर्स्ट, ठीक है, सेकंड क्या है स्थूल वैद्युत बल, ठीक है, ये सेकंड हो गया, इसके उदाहरण भी देने हैं मुझे, ठीक है आपको। तीसरा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, आप कभी भूलोगी नहीं, इस प्रकार समझाऊंगा, ठीक है। मैं अगला जो हमारा जो कहता पहला जो आता है चुंबकीय बल, ठीक है, ये दोस्तों एक चुंबक दूसरी वस्तु पर, ठीक है, ये बोल रहा है दोस्तों एक चुंबक दूसरी वस्तु पर, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक चुंबक दूसरी वस्तु पर बिना संपर्क में आई बल लगा सकती है, चुंबक द्वारा लिया गया बल संपर्क बल है, ठीक है, ये उदाहरण हो गया हमारा, ठीक है, पढ़ लिया हमने। एक चुंबक है, ठीक है, कोई चुंबक है दोस्तों, ये मैग्नेट है, ठीक है, मान लो ये मैग्नेट है, और यहाँ मेरी कील रखी है, ये कील रखी है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, जब मैं इनको इसके पास लेके जाऊंगा, ठीक है, ये बिना ही इसको कैच कर लेगी, ये चुंबक है, इनको आकर्षित करने लगेगी अपनी ओर, ठीक है। इसका एक उदाहरण देता हूँ, देखो, ठीक है, इसका ये देख लीजिए, ये इसका उदाहरण, ठीक है,
ये देख लीजिए एक चुंबक है, ठीक है, और ये आप ये कील रखी हुई है कुछ, यहाँ पे कील रखी हुई है, ये भी रखी हुई है, ठीक है, इनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच गई, खींच रही है। और इसी बार इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है, चुंबकीय बल कहते हैं इसी प्रकार के बल को। और ये किसका उदाहरण है दोस्तों, असंपर्क बल का उदाहरण, ठीक है, असंपर्क बल का उदाहरण है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में जो चुंबकीय बल है किसका उदाहरण है, वो बोलना है आपको असंपर्क बल का उदाहरण, ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है तो वो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो इसका सिंपली सा एक अच्छा सा मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। जो पृथ्वी होती है दोस्तों, जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं दोस्तों, चतुर्भुज का बल जो जो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का जो मतलब है दोस्तों, पृथ्वी होती है जब भी कोई चीज़ है दोस्तों वो अपनी ओर उसे आकर्षित करती है, मतलब अपनी ओर, मान लो ये पृथ्वी है और इसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, और कोई भी वस्तु तो गिरती है, जैसे मान लो ये सेब ही है, ठीक है, ये ऊपर भी तो गिर सकता, पर क्यों नहीं गिर रहा दोस्तों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये नीचे गिर रहा है जमीन पे, जो पृथ्वी है इस सेब को अपनी ओर, ये सेब है दोस्तों हमारा, इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है, अपनी ओर खींच रही है दोस्तों इधर की। ये तो हमारी फर्स्ट इमेज होगी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिए एक लड़का है जो कि तैर रहा है, ठीक है, अगर ऊपर को भी मारेगा तो भी वो नीचे ही आ गया, ठीक है। ये भी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का एक उदाहरण, ठीक है, आप अच्छे से समझोगे, ये सेकंड उदाहरण, ठीक है, और ये फर्स्ट उदाहरण है, आपको अच्छे से देख लेना है दोनों इमेजों को, ठीक है, समझ गए हो तो। तीसरा जो हमारा जो होता है तो, और इस अगर एग्जाम में आ जाए कि ये किसका है, तो असंपर्क बल का ये उदाहरण है, एक प्रकार का असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे दो हो चुके हैं, चुंबकीय बल भी हो गया, ठीक है, असंपर्क ये भी हो गया दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, और रह गया हमारा स्थूर वैद्युत बल। जो स्थूर वैद्युत बल क्या होता है दोस्तों, दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट दोस्तों, स्थूर वैद्युत बल दोस्तों क्या होता है दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट दोस्तों, स्थूर वैद्युत बल वो होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों स्थूर वैद्युत बल क्या होता है, ठीक है, तो स्थूर वैद्युत बल क्या होता है, ठीक है, आपको बता देता हूँ जो स्थूर वैद्युत बल क्या होता है, ठीक है, तो वीडियो को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और ये स्थूर वैद्युत बल दोस्तों हम पढ़ रहे हैं दोस्तों असंपर्क बल के बारे में, आपको पता ही है दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा है दोस्तों, पहला हमने करवाई चुका है चुंबकीय बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है, और ये हमारा दोस्तों ये स्थूर वैद्युत बल क्या होता है, और ये तीनों जो किसके उदाहरण है असंपर्क बल के, ठीक है, ये असंपर्क बल के उदाहरण है, ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो इसको बता देता हूँ दोस्तों, जो ये हम पढ़ रहे हैं तो ये स्थूर वैद्युत बल, ठीक है, स्थूर वैद्युत बल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, ये आपको एक क्रिया दिख रही है, एक लड़की दिख रही है जिसने कि अपने बालों पे एक पेन लिया है, ठीक है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है, आपको इसे पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये पढ़ लेना है। एक शुष्क कंघा अथवा प्लास्टिक का एक पेन लीजिए, अपने सूखे बालों में प्लास्टिक के कंघे का लगभग एक मिनट तक रगड़िए, ठीक है, रगड़े हुए कागजे को छोटे छोटे टुकड़ों से काट निकाट लीजिए, ठीक है, ये काट लेने आपको कागज, कागज के टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित होकर इससे चिपक जाते हैं, आप घर पे भी इस क्रिया को देख सकते हैं। ये किसका उदाहरण है तो स्थूर वैद्युत बल का, तो यही एक उदाहरण है स्थूर वैद्युत बल का, और भी उदाहरण है तो जो कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाने वाला है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है स्थूर वैद्युत बल क्या होता है, ठीक है। तो अगले जो होता है तो अगला मैं बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया असंपर्क बल के उदाहरण हो गए, ठीक है, सभी असंपर्क बल के उदाहरण हो गए, और इमेज दिखाता हूँ आपको दोस्तों, आप क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आपको किस प्रकार के दोस्तों, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है पूरा, ये यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको सारे कर लेने हैं डाउट क्लियर अपने, ठीक है, ये तो हमारे हो गए सभी। तो दोस्तों अब इमेज दिखा देता हूँ कुछ को, ठीक है, ये किसका उदाहरण है तो ये होगा चुंबकीय बल, ठीक है, और ये किसकी श्रेणी में आता है, असंपर्क बल की श्रेणी में आता है, ठीक है, किसकी असंपर्क बल की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। अगला जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये पेशीय बल, ठीक है, ये पेशीय बल है, और ये भी किसकी श्रेणी में आ जाता है दोस्तों, असंपर्क बल की, अगर आप मैंने वीडियो में बताया दोस्तों सभी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगले जो इमेज देख रहे हैं आप, ये किसकी श्रेणी में दोस्तों, ये भी दोस्तों ये किसकी श्रेणी में, ये संपर्क बल की श्रेणी में, कौन सा बल है दोस्तों, घर्षण बल है, ठीक है, ये घर्षण बल है, ये घर्षण बल है दोस्तों, ठीक है, आपको दिख रहा है घर्षण बल, मैंने समझाया वीडियो में पूरा। और नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है दोस्तों, ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है, ये इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये देख लीजिए क्या बोल रहा है, तो घर्षण बल के लाभ दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों,
ये घर्षण बल के लाभ क्या है, तो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, मैंने भी काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ दोस्तों। हमारा चलना भी घर्षण बल के कारण ही संभव है, क्योंकि घर्षण बल हमें फिसलने से बचाता है, ठीक है, कितनी अच्छी बात है दोस्तों। ये दोस्तों इमेज देख लीजिए दोस्तों, ये किसके कारण होता है, तो घर्षण बल में कमी के कारण बल होता है, तो घर्षण में कम होने के कारण केले के छिलके से, ठीक है, घर्षण मैंने बताया तो घर्षण में कमी होने के बाद केले के बोल दिया दोस्तों मैंने, ठीक है, घर्षण के कमी होने के कारण केले के छिलके से हमारा जो पैर चपड़ जाता है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन हो गया हमारा, हमारा चलना भी घर्षण बल के कारण ही संभव है, क्योंकि घर्षण बल हमें फिसलने से बचाता है, ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है इनकी, जो घर्षण बल हमें फिसलने से बचाता है, ठीक है। और नेक्स्ट दीजिए दूसरा, घर्षण के अभाव से हमें कार के पहिए सड़क को चढ़कर नहीं पकड़ेंगे, वे केवल अपने अक्ष पर ही घूमते रहेंगे, अथवा बर्फीली सड़क की भांति उस पर फिसलेंगे, क्योंकि चिकनी सतह पर घर्षण प्रतिरोध को कम कर देती है। दोस्तों ये सभी पढ़ लेने हैं, काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, आपको एग्जाम में बहुत ही आपको नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है, इनसे अभी अभी आपको सारे पढ़ लेने हैं इसको, ठीक है, पूरा इमेज आपको इसका जो स्क्रीनशॉट लेना है एक दोस्तों, घर्षण बल के लाभ है दोस्तों, बहुत ही अच्छे दोस्तों वीडियो है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें तो। और अगली एक इमेज दिखाता हूँ आपको, इसमें कौन सा बल है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये बल लगा रहे हैं, ये भी पेशी बल लगा रहे हैं, उधर की जो साइड वाले बंदे हैं वो भी पेशी बल लगा रहे हैं, इधर की साइड वाले बंदे वो भी पेशी बल लगा रहे हैं, ठीक है। और ये किसका उदाहरण है, तो पेशी बल आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये पेशी बल है दोस्तों वो संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है, ये संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये कौन से प्रकार के होते हैं, संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन सा है तो पेशी बल, ठीक है, ये होता है हमारा पेशी बल, फर्स्ट हो गया, और सेकंड क्या होता है, घर्षण बल, जैसा कि मैंने वीडियो में बताई दिया आपको, घर्षण बल इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगले जो असंपर्क बल के उदाहरण बताऊं तो आपको दोस्तों क्या होते हैं, तो असंपर्क बल के उदाहरण होते हैं तो तीन होते हैं, ठीक है, असंपर्क बल के उदाहरण सिंपली से तीन होते हैं, पहला क्या है तो चुंबकीय बल, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई दिया है, चुंबकीय बल ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है, सेकेंड है तो गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी दोस्तों असंपर्क बल के उदाहरण, तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा बता देता हूँ, स्थूल वैद्युत बल, दोस्तों ये बहुत ही घट पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको फिर भी अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, स्थूल वैद्युत बल मैंने वीडियो बना दिया है तो इसीलिए आपके लिए, तो नेक्स्ट वीडियो ध्वनि के चैप्टर के ऊपर आएगा दोस्तों, और काफ़ी अच्छे से हमने एग्जाम में आपको इसको पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है, और इसको आपको अच्छे से इनकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है, सभी आपको पढ़ाया है मैंने दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि पिछले बार एग्जाम में देख सकते हैं आप, पूछे गए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन, देख लीजिए, ये गैस का गुब्बारा दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है दोस्तों, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के, और ये 2020 के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन, ये भी सभी 2020 के क्वेश्चन में आए हैं दोस्तों, ठीक है, आपको अच्छे से कर लेना है दोस्तों। पास पास की रखी दोस्तों, थर्मोकोल की गोंदे, ये दोस्तों चुंबकीय बल में आया है दोस्तों, ये हमारा चुंबकीय बल हो जाएगा, और ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये हो जाता है असंपर्क बल का उदाहरण, ठीक है, असंपर्क बल के, ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है, और जो वैद्युत बल है ये भी असंपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, शरीर में, ठीक है, शरीर में उपस्थिति का समाप्त होना घर्षण बल को क्या होता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो अगले को जो अगला क्वेश्चन है तो क्रिकेट के बल्ले, आपको ये तो बता ही दिया मैंने, लास्ट क्वेश्चन देखा था हमारा, यदि किसी वस्तु पर कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, उसकी अभिव्यक्तमान उसी अनुपात उसका अभिव्यक्तमान में घटता है, उसी अनुपात में बढ़ता है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसी अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। इसका और तो काफ़ी अच्छे से वीडियो को मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, आपको अच्छे से लाइक वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो। और अगला जो चैप्टर करवाएंगे तो हम ध्वनि करवाएंगे, ठीक है, और दोस्तों हमारे पास कोई सेटअप नहीं है अभी दोस्तों, फिलहाल में व्हाइट बोर्ड का दोस्तों, और इसलिए आपको फ़ोन पे समझाने की थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से हमको आपको हमने समझा दिया है इस वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है आपको। और एग्जाम में हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो घर्षण बल से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में आपने देख लिया, चार क्वेश्चन आए हैं तो पिछले बार 2020 में, ठीक है, और अब की बार पता नहीं कितने आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है उसे, आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस चैप्टर को, तो बार बार देख लीजिए इस वीडियो को दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो अगला वीडियो जल्दी आएगा दोस्तों ध्वनि के चैप्टर के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने।